पहुंचाने के लिए हमारे बूथ स्तर तक उसको पहुंचाने के लिए आगे हमारे अभी जिला कार्य समिति की बैठकें होना सुनिश्चित है। विकासनगर तहसील अंतर्गत सभावाला क्षेत्र हिंदूवाला में एक भूमाफिया ने चाणक्य फाउंडेशन बनाकर लगभग 20 बीघा जमीन खरीदी, जिसकी आड़ में भूमि से लगता बरसाती खाला और बंजर भूमि लगभग 4 से 5 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। बिना एमडीडीए विभाग की अनुमति के एक आलीशान 3 मंजिला इमारत खड़ी कर ली गई। भूमाफिया इतना शातिर किस्म का है कि भूमि खरीद में सरकारी छूट पाने के लिए पहले तो एक चाणक्य फाउंडेशन नाम की संस्था बनाई, फिर उस संस्था के नाम पर बरसाती खाले और सरकारी बंजर पड़ी भूमि के पास सस्ती जमीन खरीदी, फिर भूमि से दो तरफ लगती बस्तियां खाले का काफी हिस्सा अपनी भूमि में मिला लिया। जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी विकासनगर से बात की गई तो उनके द्वारा कहा गया कि मीडिया के माध्यम से मामला संज्ञान में लिया गया है, मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हो रही है, इसको हमारे क्षेत्रीय लेखपाल के द्वारा चेक कराया जाएगा और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा सरकारी जमीन पर कोई कब्जा किया गया तो नियमानुसार उसमें कार्रवाई अमल में। खबर देहरादून से है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के जन्मदिन के अवसर पर कई लोगों ने मिलकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं गणेश जोशी ने अपने आवास पर एचडीएफसी के माध्यम से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के बीच 20 लाख का चेक वितरित किया। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि चाहे उनका जन्मदिन हो चाहे शादी की सालगिरह हो, वे अक्सर गरीब बच्चों और लोगों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाते हैं क्योंकि उन्होंने गरीबी को काफी नजदीक से देखा है। आगे उन्होंने कहा कि इस खास अवसर पर 36 स्कूलों में स्वेटर वितरण किए जा रहे हैं, कुछ विद्यालयों में कंप्यूटर भी वितरित किए जाएंगे, इनमें से 2-3 विद्यालयों में वे खुद जाएंगे। जिसमें से एक दो विद्यालय में मैं भी जाऊंगा, कई जगह मेरी बेटी जा रखी है, वहीं कुछ स्कूलों को हम कंप्यूटर दे रहे हैं। ब्लाइंड स्कूल में भी एक कार्यक्रम ब्लाइंड बच्चों के साथ में फैलाने का रखा है और आज एचडीएफसी के माध्यम से जो हमारी स्वयं सहायता ग्रुप की बहनें हैं जो अपना रोजगार करना चाहती हैं, अपने पैर पर खड़ा होना चाहती हैं, लगभग 20 लाख रुपए के चेक एचडीएफसी के माध्यम से आज मैंने यहां पर वितरित किए, जो उनकी आर्थिकी को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। हमारी सरकार ने संकल्प लिया है कि 2025 में जब हमारा राज्य सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून के यूकेसीडीपी सभागार में कई एजेंडे बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में सहकारिता विभाग के सभी उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्य रूप से बैठक में सहकारिता विभाग की वित्तीय और भौतिक प्रगति की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग के स्टाफिंग पैटर्न की अद्यतन स्थिति की समीक्षा के साथ ही सहकारी समितियों में स्टाफिंग पैटर्न की स्थिति पर भी समीक्षा हुई। सहकारी विभाग के अंतर्गत कितने पद रिक्त पड़े हैं, इन तमाम मसलों पर चिंतन मंथन किया गया। आज कोऑपरेटिव के हमने एक समीक्षा बैठक की है और खुशी की बात यह है कि नाबार्ड के सीजम भी आज हमारे साथ हैं। पूरे प्रदेश में हम 1200 स्थानों पर एक वित्तीय जन जागरूकता गोष्ठी करने जा रहे हैं किसानों के साथ में और उनको ये बताया जाएगा कि कोऑपरेटिव सेक्टर में हम क्या क्या कर रहे हैं, नाबार्ड की क्या क्या योजनाएँ हैं, भारत सरकार की कौन सी योजनाएँ हैं, हमको जो है जो बीमा योजना है, इनकी सारी जानकारी वहाँ किसानों को दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने सरकारी आवास पर जन्मदिन के आयोजित कार्यक्रम में कहा कि शहादत गांधी परिवार की बपौती नहीं है। साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि जिसमें जितनी बुद्धि है वह उतनी ही बात करेगा। आपको बता दें कि बीते रोज श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में राहुल गांधी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की शहादत को लेकर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से ही राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर है। राहुल गांधी जी की मुझे बुद्धि पर तरस आता है, जिस लाल चौक पर ये झंडा फहराया आज उन्होंने फहराया उसका श्रेय जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और धारा 70 नहीं हटी होती
माहौल उसके अनुकूल नहीं होता। क्या राहुल गांधी की हिम्मत थी कि लाल चौक को झंडा फहराता? लाल चौक पर झंडा उस समय फहराया है तो डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी ने फहराया, अगर आपको ध्यान होगा, मैं भी उस कार्यक्रम में साथ में था। और शहादत इस आजादी के आंदोलन में भगत सिंह ने दी है, सावरकर ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है। शहादत कोई इनकी बबूती नहीं है, ये तो इनके साथ एक हादसा हुआ है। शहादत में और हादसे में बहुत अंतर होता है। यूपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता अकबर अहमद डंपी सहित 7 लोगों पर वक्फ बोर्ड की संपत्ति खुरबुद और जाली दस्तावेजों से खरीद करने का आरोप है, जिसके चलते वक्फ बोर्ड ने अकबर अहमद डंपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। अकबर अहमद डंपी के खिलाफ वक्फ अधिनियम के तहत भी केस दर्ज कराया गया है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि विसारतगंज रामगढ़ के वक्फ की 28 एकड़ जमीन जो लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमती है, वक्फ के नाम पर रजिस्टर्ड है। शादाब शम्स ने कहा कि पूर्व सांसद और बाहुबली नेता अकबर अहमद डंपी ने फर्जी दस्तावेजों को लगाकर वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है। इसके बाद नैनीताल के भवाली थाने में अकबर अहमद डंपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया, तो वही इसके साथ ही अन्य 7 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है और जल्द ही वक्फ बोर्ड अवैध निर्माण को हटाएगा। नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। उसी में जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर के वक्फ माफियाओं के जो अवैध कब्जे थे उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अकबर अहमद डंपी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें एक दर्जन से अधिक धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें 420 भी शामिल है। उन्होंने जिस तरह से रामगढ़ के अंदर नैनीताल में 28 एकड़ से अधिक संपत्ति के ऊपर अवैध कब्जा करके उसे लंबे समय से अपने उसमें लगा के और बड़े घेरा हुआ है। के निर्देशों का पालन करते हुए दिनेशपुर पुलिस लगातार नशे के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसके तहत पुलिस ने अवैध कच्ची शराब विक्रेता अशोक कुमार को वार्ड नंबर 1 से 20 लीटर कच्ची शराब बेचते हुए पकड़कर जेल में भेज दिया। बता दें कि थाना अध्यक्ष अनिल उपाध्याय ने कहा कि नशे के खिलाफ दिनेशपुर थाना क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मिली अवैध शराब की बिक्री जो कच्ची शराब रहती है उसमें हमने अशोक कुमार पुत्र विश्वास प्रसाद निवासी वार्ड नंबर 1 गांधीनगर थाना दिनेशपुर को 20 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। राज्य में लगातार हो रहे पेपर लीक मामलों को लेकर उत्तराखंड युवा एकता मंच की ओर से मंगलवार को चलो गोलजू दरबार न्याय यात्रा निकाली गई। इस यात्रा के जरिए युवा घोड़ाखाल मंदिर पहुंच न्याय के देवता गोलजू के समक्ष अर्जी लगाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। पेपर लीक और महिला उत्पीड़न के दोषियों को सजा देने और जोशीमठ भूदस्ताव के पीड़ितों के साथ न्याय करने के लिए गोलजू महाराज से प्रार्थना करेंगे। इस यात्रा में कई दलों के लोग सहित सैकड़ों युवा शामिल हुए। देखिये जिस प्रकार से उत्तराखंड में आज पेपर पर पेपर लीक होते जा रहे हैं, जिस प्रकार से उत्तराखंड में महिला उत्पीड़न होते जा रहा है, हमारी बहन अंकिता भंडारी को अभी तक का न्याय नहीं मिल पाया है। उत्तराखंड की सरकार जो भी पेपर लीक पकड़े हुए हैं उनकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर आज यहाँ पर प्रदेश का आक्रोशित युवा प्रदेश का जागरूक वर्ग इकट्ठा हुआ है और यहाँ से लेकर गोलजू मंदिर घोड़ाखाल तक का यात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की मांग अपने लिए न्याय के लिए अपने न्याय के लिए यहाँ पर पदयात्रा निकालने के लिए इकट्ठा हुआ। और हमारी मांग है गोलजू देवता से कि उत्तराखंड के प्रदेशवासियों को उत्तराखंड के युवाओं को यहाँ पर न्याय मिले। उधर हल्द्वानी के भनभूलपुरा क्षेत्र में कुमाऊं कमिश्नर की ओर से छापेमारी की गई। इस दौरान
इस अवैध अतिक्रमण पर तत्काल ध्वस्त किए जाने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद मौके पर अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का स्थानीय लोगों ने विरोध कर हंगामा काटा, जिसके बाद पुलिस को लाठी फटकार कर उन्हें भगाना पड़ा। लिहाजा नगर निगम ने 5 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने का कहना है कि नगर निगम से मिली तहरीर के आधार पर 5 नामजद सहित 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ बलवा और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज किया गया। ये जो है अब कमिश्नर साहब, और मुझे जो है ये जानकारी मिली थी कि बनफूलपुरा में जो है कुछ अवैध निर्माण जो है वो कराए जा रहे हैं, और उसके आद में कुछ जो है अवैध खनन भी कराया जा रहा है। जो है तुम्हारे बेसमेंट है वहाँ पर जो बोल्डर्स वगैरह है वो भी वहाँ से खनन करके बेचे जा रहे हैं। तो उसके आधार पर जो है गोपनीय सूचना के आधार पर कल वहाँ पर रेड करी गई, तो उसमें पाया गया कि जो है बिना अनुमति के जो है अवैध निर्माण की कार्रवाई वहाँ चल रही थी, बिना और बड़े स्तर पे हो रही थी। पाया गया और क्या देखा? देखिए, कल मुझे सूचना प्राप्त हुई कि लाइन नंबर 8 में और 16 में कुछ इस तरह के निर्माण हो रहे हैं जो व्यावसायिक नेचर के हैं, जिन पे शटर भी लगा हुआ है, जिन्होंने बेसमेंट को खोद के अवैध खनन की सामग्री को भी बेच डाला है। इसको देखते हुए तत्काल में और आईजी साहब मौके पर पहुँचे थे, पुलिस और इनकी प्राधिकरण और निगम की टीम भी थी। तो पहली बात तो ये, इसमें निगम की भूमिका और प्राधिकरण की भूमिका भी मुझे थोड़ा संदिग्ध लगी, क्योंकि 4 मंजिल की बिल्डिंग बन जाए और ये पता ही तब चले जब 4 मंजिल की बिल्डिंग हो, और वो भी किसी और माध्यम से पता चले, ये उचित नहीं है। क्योंकि पिछले लगातार 7-8 महीने से आप देख रहे हैं कि सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण कहीं भी हो, इसको गंभीरता से लिया जा रहा है, और विशेषकर जब वो कमर्शियल नेचर का है। उत्तराखंड में जन अधिकारी कार्यक्रम के तहत रुड़की पहुंचे उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सभी वर्गों के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। इस बैठक में प्रचार प्रसार न होने के चलते जनप्रतिनिधि से लेकर आम आदमी तक कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं पहुंचाता, यहां तक कि ब्लॉक प्रमुख तक को भी इस कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं थी, जिससे आयोग के अध्यक्ष काफी नाराज नजर आए। बैठक में सबसे पहले उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के एडीओ विपिन कंडारी से जब पूछा कि अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं संचालित हैं, तो इस दौरान विपिन कंडारी योजनाओं की जानकारी नहीं दे पाए। मैं बता रहा हूं, पहली बैठक है अधिकारियों के, मैं कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हूं, ये बात हकीकत है, क्योंकि मैंने पहले चेतावनी दी आज, और दूसरी बैठक भी मैं 15 दिन के अंदर करूंगा दूसरे ब्लॉक में। हर सोमवार को हम ब्लॉक स्तर पर एक नैनीताल जिले में और एक सोमवार को यहां पर कर रहे हैं। अभी पिछले सोमवार को मैंने रामनगर ब्लॉक में की थी बैठक। जिन अधिकारियों के पास डाटा नहीं है, ये गंभीर बात है, गंभीर विषय में, उन अधिकारियों को अभी चेतावनी दी है, अगली बैठक में मैंने बता दिया है, अगर वो अधिकारी डाटा लेकर के नहीं आए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज विराट कोहली और उनकी पत्नी बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा इन दिनों उत्तराखंड में धार्मिक यात्रा पर है। यात्रा के दूसरे दिन ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम में आयोजित अनुष्ठान में वे लोग शामिल हुए, और अनुष्ठान के बाद विराट कोहली के परिवार ने भंडारा कर संतों को भोजन कराया। मैं कभी बीएसएफ में था आईजी, तो हमने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था बीएसएफ का, तो वैसी वही बातें हैं और कोई नई बात नहीं जी। काफी चर्चा भी है उनकी बेटी ने, अच्छा जी, ऑफकोर्स क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड बीजेपी के 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को तय किया गया, जिसके आधार पर संगठन की तैयारियों की जाएगी। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी रूटीन बैठक है, जिसे ही उनकी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद से सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है, जिसके तहत हमारे राज्य में भी कार्य समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें केंद्र की तरह तमाम राजनीतिक प्रस्ताव पास किए गए हैं और संगठन के आगामी कार्यक्रम भी
तय किए हैं, जिसमें अब जिला कार्य समिति होगी और मंडल कार्य समिति की बैठक होगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने को लेकर रूपरेखा तैयार कर संगठन कार्य करेगा। प्रदेश कार्यकारिणी के द्वारा राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव भी पारित किए गए और उन प्रस्तावों को जो हमारी केंद्र की जो योजनाएं हैं और प्रदेश की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारे बूथ स्तर तक उसको पहुंचाने के लिए आगे हमारे अभी जिला कार्य समिति की बैठकें होना सुनिश्चित हुई हैं। उसके बाद हमारे 270 मंडल हमारे प्रदेश के अंदर जो बने हैं उन मंडलों में मंडल कार्यकारिणी की बैठकें सुनिश्चित होनी है और उसमें हमारी जो योजना है प्रदेश सरकार जो केंद्र सरकार की योजना है और जो हमारे संगठन के जो कार्यक्रम सुनिश्चित किए गए हैं आगे के लिए किस प्रकार से कब कब हमारे के कार्यक्रम संगठन के चलने वाले हैं उसकी जानकारी बूथ स्तर तक बूथ कार्यकर्ता को पहुँचाए जाने का इसमें तय किया गया है बैठक में। रामनगर आसपास के क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार लगातार बढ़ रहा है, जिसके खिलाफ नशा नहीं रोजगार दो आयोजन समिति के तत्वाधान में विभिन्न संगठनों के लोगों ने तहसील परिसर पहुंचकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ जो है नारेबाजी की और इस दौरान प्रदर्शन करते भी नजर आए और एक ज्ञापन SDM गौरव चटवाल के जरिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को सौंपा और नशे के इस अवैध कारोबार पर तत्काल रोक लगाने की मांग भी की है। समिति के संयोजक प्रभात ध्यानी ने बताया कि नशे के कारण युवा पीढ़ी इसका शिकार हो रही है, जिससे अपराध और सड़क दुर्घटनाएं जैसी घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। उन्होंने सरकार से NDPS एक्ट के तहत आबकारी एक्ट बनाए जाने की भी मांग की है, साथ ही स्कूल और कोचिंग सेंटर में जागरूकता अभियान चलाते हुए ज्ञापन पर 15,000 लोगों के हस्ताक्षर कराकर मुख्यमंत्री को भेजने की बात कही। साथ ही नशे को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है और कहा कि यदि पुलिस की ओर से इस पर रोक नहीं लगाई गई तो पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। तो वो उसके माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है कि रामनगर क्षेत्र के अंतर्गत जो नशे अवैध नशे के कारण जो युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे सब लोग चिंतित हैं और उसी को लेकर के आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव उत्तराखंड, महानिदेशक उत्तराखंड, पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को एक ज्ञापन भेजा है कि उसमें इस पर प्रभावी रोक लगाई जाए। जोशीमठ में हो रहे आंदोलन को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान अब सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे लोग धार्मिक यात्रा को प्रभावित करने की साजिश कर रहे हैं, साथ ही NTPC की परियोजना को भी प्रभावित करने की साजिश है। उनका कहना है कि इसमें CPI और ISA के पदाधिकारी शामिल है, जो पहले भी चीन के समर्थन में नारेबाजी कर चुके हैं। इसके साथ ही महेंद्र भट्ट ने कहा कि जोशीमठ एक सीमांत इलाका है जिसकी सीमाएं चीन के साथ में लगती है, माओवादी विचारधारा से प्रभावित लोग आंदोलन कर रहे हैं। हो गया है कि उस आंदोलन की पृष्ठभूमि में ISA, CPI ये इस प्रकार के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और शुरू से ही जब एक नारा लगा था भारत चीन भाई भाई, उस नारे की क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, आगे आप क्या दर्शाना चाहते हैं। हमारी चिंता इस बात की है कि उत्तराखंड का पर्यटन बाधित न हो और मेरा सीधा आरोप है कि इस प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को, चारधाम यात्रा के पर्यटन को प्रभावित कर रहे हैं। वहां के जो व्यापार मंडल के लोग हैं वो दुखी हैं, उनका कहना है कि हमारा व्यापार इस प्रकार इसके कारण चौपट हो रहा है, इसलिए मेरा ये सीधा आरोप है। आखिरकार उत्तराखंड की धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन को केवल उसको रोकने का जो प्रचार हो रहा है उसका मैं विरोध करूँ। तो वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब कटाक्ष किया है। सीएम धामी ने सीधे तौर पर इस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि तंज भी कसा है और कहा कि जो कश्मीरी विरोधी है धारा 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे और जिनकी वजह से एक ही दिन में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान चलते थे और जो लोग
कहते थे कि धारा 370 हटाने से कुछ होने वाला नहीं, और जिनकी वजह से लगभग 40,000 लोगों को अपनी शहादत देनी पड़ी, आज वही कांग्रेस पार्टी अपनी भारत जोड़ो यात्रा का समापन भी श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कर रही है, जो सीधे सीधे प्रमाण है कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है और पहले से बेहतर स्थिति में है। आज इस पर सभी को गर्व है कि देश एक निशान एक प्रधान एक विधान के नाम से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे करके दिखाया है, जो कि अब विपक्ष को भी रास नहीं आ रहा, वहां पर जाकर अपनी यात्रा का समापन कर रहे हैं। जो लोग धारा 370 हटाने का विरोध करते थे और जिनके कारण से कश्मीर में एक ऐसा प्रदृश्य पैदा हो गया, एक ऐसा प्रदृश्य बन गया कि देश के अंदर, एक ही देश के अंदर दो विधान, यानी कि दो संविधान, दो प्रधान और दो निशान चलते थे, और वो कहते थे कि धारा 370 समाप्त होने से कुछ नहीं होने वाला है। ये आज वहां पर दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार का अमन है, जिस प्रकार की शांति है, जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, और राहुल गांधी भी वहां जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।